प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में संधि का परिचय जाने, संधि का भेद जाने और उन स्वर संधियों से दीर्घ संधि का अध्ययन किए। आज के वीडियो में हम दो संधि पढ़ेंगे, गुण संधि और वृद्ध संधि। इन संधियों के सूत्र, नियम, उदाहरण को भलीभांति सरलता और सहजता पूर्वक एक मैजिक मूवमेंट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के जो प्रमुख भेद हैं, उनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इनमें से दीर्घ संधि का अध्ययन कल के वीडियो में कर लिए हैं। आज हम सबसे पहले गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम सूत्र, नियम और उसके उदाहरणों को समझते हैं। स्वर संधि का जो प्रमुख भेद है उसके अंतर्गत गुण संधि, सबसे पहले लिखते हैं गुण संधि। गुण संधि इसका सूत्र है, जैसे सूत्र शब्द आपकालिक से लिखेंगे, उसके बाद सूत्र को लिखें, सूत्र है आद गुणा, सूत्र है आद गुणा। सूत्र आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है, सिर्फ नियम और उदाहरण दिए गए हैं, परंतु भली बात समझने के लिए आप सूत्र को याद कर लेंगे। यह है सूत्र, अब नियम देखें। आद गुणा सूत्र का नियम और व्याख्या हम आपको समझाते हैं। इसके अंतर्गत अ अथवा आ, लघु अथवा दीर्घ, आ के बाद, के बाद ई उ री ली आए हो जाता है। सूत्र विवाद नियम हो गया। ध्यान दें, इसको और संक्षिप्त रूप से समझ लें कि आ अथवा आ, छोटा अथवा बड़ा आ के बाद ई उ री ली आए तो ई का ए, ई किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए में उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। पुनः ध्यान लें, ऐसे समझ लें, आ धन ई मिलकर बनता है ए, उसी प्रकार से आ धन उ बराबर बन जाएगा ओ, उसी प्रकार से आ धन री बराबर आर, फिर आ धन री बराबर हो जाएगा अल। बहुत ही सरल है, अब ऐसे समझ लें, आ के बाद ई आ रहा है तो ई के स्थान पर ए हो जाए, आ के बाद ऊ आ रहा है तो ऊ के स्थान पर ओ हो जाए, उसी प्रकार आ के बाद री आ रहा है तो री के स्थान पर अर हो जाएगा, अल री आ रहा है तो अल हो जाएगा। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे जैसे पहले का उदाहरण देखें, मान लीजिए शब्द है नरेंद्र, नरेंद्र। अब आपको प्रश्न आता है नरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो कल के नियम में हमने बताया था संधि का अर्थ होता है मेल, कि
किसी भी शब्द में दो शब्द जब मेल करते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे निर्मित होने वाला शब्द संधि कहलाता है। तो इसमें दो शब्द हैं। पहले स्टेप में हम दोनों सार्थक शब्दों को अलग कर लेंगे। तो दो सार्थक शब्द क्या हैं? नर, धन, इंद्र। अब दूसरे स्टेप में प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लिखेंगे। तो नर, नर, आ है ना, अंतिम अक्षर क्या है? आ। धन, दूसरे शब्द का पहला अक्षर उसी के नीचे लिख लेंगे। तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई है, लिख दिए। अब सूत्र से मिलाएंगे, नियम से मिलाएंगे। नियम हमारा कह रहा है कि आ के बाद यदि आए तो क्या हो जा रहा है? ए। तो यहाँ आ रहा है, आ के बाद ई आ रहा है, तो आ धन ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए। ई के स्थान पर क्या आ गया? ए। अब जो बचे हुए शब्द लिखने थे, यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ बचा नर। स्वर सदैव मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ बीच में मध्य में जो विकार है एक मात्रा लगा दिए। अब इंद्र में से ई निकल गया, बचा गया सिर्फ आधा ना और द्रा। देखिए अब हम मिला है, हमारा शब्द सही है, नरेंद्र। संस्कृत का बनाने के लिए बताया गया विसर्ग लगा देंगे तो नरेंद्र संस्कृत का शब्द हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल संधि है, और संधि इस पाठ्यक्रम से लेकर के आगे हाई स्कूल, इंटर और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुखता के साथ संधि पूछा जाएगा। संधि समास ये व्याकरण के प्रमुख अंग हैं, इसलिए इसको सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, एकाग्र मन से जरूर समझ लें। अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो यह हो गया, अब एक शब्द आता है परोपकार। कहते हैं परोपकार करना चाहिए। दूसरा शब्द है परोपकार। अब इसमें भी दो शब्द हैं, दोनों सार्थक शब्दों को अलग करें। वो दोनों सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? पर, धन, उपकार। अब नियमता पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिख लें। पहला शब्द पर, हर व्यंजन स्वर से मिल करके बनता है, तो रा व्यंजन इसमें क्या लगा हुआ है? अ। तो यहां आ लिख लें, छोटा आ। उसके बाद दूसरे शब्द के पहले अक्षर को लिख लेंगे। दूसरा शब्द उपकार है, इसका पहला अक्षर उ है। अब हम अपने नियम पर चलें, आ के बाद उ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब बचे हुए शब्दों को लिख लें, तो यहां क्या बचा? पर, उ निकल गया, यहां मात्रा लगा दी, ओ साइलेंट हो जाएगा, पकार, पकार। देखो हमारा शब्द बन गया परोपकार। समझ में आ रही बात ना? बहुत ही सरल संधि है। तीसरा, चलिए तीसरे का उदाहरण समझते हैं। तीसरे का कोई भी शब्द ले लें, जैसे राजर्षि है, देवर्षि है, महर्षि है, ये सब गुण संधि के उदाहरण है। तो शब्द है जैसे लें देवर्षि, देवर्षि। अब इसमें भी दो शब्द हैं, दोनों सार्थक शब्दों को सबसे पहले अलग कर लेंगे। वो शब्द हैं देव, धन, ऋषि। देव, धन, ऋषि। नियमता पहले शब्द के अंतिम अक्षर को लिख लेंगे, दूसरे शब्द के पहले अक्षर को लिख लेंगे। पहले शब्द का अंतिम अक्षर है आ, आ, धन, ऋ। नियम देखें, आ के बाद री आए तो अर हो जा रहा है, तो आ के बाद री आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, अर। अब शेष शब्दों को उतार दें, तो देव, और यहाँ अर है, तो आ इसमें ऑलरेडी वा में लगा हुआ है ना, री निकल ही गया, फ्र बचा हुआ है। अब देखें आधा रा है, तो इसको देवनागरी लिपि में नियमता आधे रा को ऐसे स्थानों पर ऊपर लगाते हैं, रेफ रा कहते हैं इसे। देवर्षि ना महर्षि, राजर्षि, इनके अन्य उदाहरण हैं। तो आप इस प्रकार से सरलता पूर्वक गुण संधि को पढ़े समझे। अब आप क्या करेंगे?
सूत्र लिख लेंगे, सूत्र के नियम को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। वीडियो के साथ हम लिखित रूप से पेज भी इंक्लूड करके आपको संप्रेषित कर देंगे। अब हम लोग अगली संधि को पढ़ेंगे। आज के प्रकरण में मैंने पहले ही बताया था, आज हम लोग गुण संधि के बाद पाठ्यक्रमानुसार हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे, यानी स्वर संधि की महत्वपूर्ण संधि है, उसका एक भेद है, उसका एक भाग है। यह स्वर संधियां प्रतियोगी परीक्षाओं में सिविल कंपटीशन तक पूछे जाते हैं। आज ही या इसी स्तर पर ही यदि हम संधि पढ़ लेंगे तो भविष्य में हमें संधि के विषय में अध्ययन नहीं करना होगा, अभ्यास करते रहेंगे, बीच बीच में संधि पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आए अब वृद्धि संधि का अध्ययन करते हैं। स्वर संधि का एक भेद है, एक भाग है, कौन सा? वृद्धि संधि। तो सबसे पहले यहां लिखिए संधि, ऐसे आप लोग कलरफुल पेन में लिखेंगे संधि का नाम, खूब सुंदर सुंदर ढंग से लिखेंगे। संधि है हमारी वृद्धि संधि, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब इस संधि का सूत्र यहां लिख लें, सूत्र, सूत्र पर ही संधियां आधारित होती हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में भी इसको आप पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड में 9th में भी है वृद्धि रेच। अब नियम, नियम भी लिख रहे हैं, नियम देखें। यदि यदि छोटा अ अथवा बड़ा आ के बाद ए ए आए, ए ए एवं अथवा एवं ओ आओ, आए तो एक स्थान पर ए तथा ओ के स्थान पर तथा ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, दीर्घ हो जाते हैं ना, यही नियम है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है ना। पुनः देखें, यदि आ अथवा आ के बाद ए ए एवं ओ औ आए तो ए के स्थान पर ए ना ओ के स्थान पर आओ, एक वृद्धि हो गया, ठीक। इसीलिए संधि का नाम है वृद्धि रेच। क्या नाम है? वृद्धि रेच। अब इसके उदाहरण समझ लें, जैसे बात समझ में आ गई नहीं, पुनः इसको संक्षिप्त रूप से सरल रूप में लिख दे रहे हैं। देखिए आ बड़ा आ धन ए, तो क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो गई, ये बड़ा हो गया। उसी प्रकार से और आ के बाद यदि ओ आए, क्या आए? ओ आए तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। इससे सर कोई संधि है ही नहीं है, क्या हो गया? आओ, ठीक प्यारे बच्चों। इस प्रकार से अब हम उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे, जानेंगे। उदाहरण है इस संधि का तथैव, सदैव। देखें तथा धन एव, तो संधि
समाप्ति में हमने बताया है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो सार्थक शब्दों में विभक्त कर देंगे। इसको पहले हम शब्द में लिखते हैं ना, इसको पहले क्या करते हैं, शब्द में लिखते हैं। तो शब्द में जैसे है तथा तथयो, और दूसरा इसको जब पहचानने में आगे आप हाई स्कूल में भी यह संधि पढ़ेंगे, हमने बताया इंटर में भी पढ़ेंगे, कंपटीशनों में भी आएगा। तो इसके इसको पहचानने का एक बहुत सरल साधन है कि जब किसी शब्द में आय और अ का मात्रा लगा हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब ये तथयो शब्द है, इसको हम सबसे पहले दो सार्थक शब्दों में व्यक्त कर लेंगे। वो शब्द आएंगे तथा धन एव, तथा धन एव। अब यंता दूसरे स्टेप में हम करते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर लिख लेते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर लिखते हैं, दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिख लेते हैं। तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है ए, ए लिख लिए। अब हम अपने नियम से इसकी तुलना करेंगे। नियम हमारा कह रहा है कि आ अथवा आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा। तो देख रहे हैं आ के बाद ए आ रहा है तो यह वृद्धि, ए में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक, अब बचे हुए शेष शब्दों को जो करते हैं उतार लेंगे। तो बचा शब्द तथ, तथ और यहाँ ए निकल गया, वा बचा, ये तो बचा। अब संधि में विकार होता है, परिवर्तन होता है, तो हम इस स्वर को मात्रा के रूप में लिख दिए, हमारा जो शब्द था वही निर्मित हो गया। इस प्रकार से हम इस सरल ढंग से भी कठिन शब्द में संधि कर लेंगे। एक अन्य उदाहरण से भी, अब औ का उदाहरण है तो औ के उदाहरण से भी हम इस संधि को समझ लें, जान लें, देखें। बहुत सरल है विद्यार्थी, पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि यदि आप रखेंगे तो ज्ञान से ही आनंद की अनुभूति होती है। अब कोई चीज कठिन है ही नहीं है, अगर आप मन में मान लिए कि कठिन है तभी कठिन होगा। आप मन में मान लें सरल, व्याकरण से ज्यादा सरल कुछ नहीं है, और व्याकरण पर यदि आपकी सिद्धि बन गई तो आप भाषाओं पर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो चलें अविलंब हम इस नियम के दूसरे शब्द को उदाहरण लेकर के समझेंगे। शब्द है जैसे महौजह, महौजह, महौषधम, महौषधम। शब्द लिखें महौषधम ना, दूसरा शब्द है महौज। तो देखिए अभी हमने बताया था संधि को समझने का जो सरल उपाय है, उसमें का मात्रा लगा होगा, यह है महा धन औषधम। ठीक ना, महा इसे संधि कर ले इसको, ठीक है। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ, दूसरे शब्द का पहला अक्षर औ, ठीक। अब बचा शब्द क्या, महा, औ का मात्रा लगा ली, महौषधम, महान औषधि शब्द बन गया, ठीक। दूसरा उदाहरण महौजा का यहां लिख लें, महौजा का संधि विच्छेद करें, महा धन ओजह, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ लिख लिए, धन ओ यह भी लिख लिए। अब नियम देखें, नियम कह रहा आया आ के बाद ओ आए तो अ हो जा रहा है, तो आया आ के बाद ओ आ रहा है। अब बचे हुए शब्द को लिख लें, मह मात्रा लगाएं, आओ ये निकल गया, जा बचा शब्द बन गया हमारा ना, महो जा। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग सरलता पूर्वक इन दोनों संधियों का अध्ययन किए। कल के वीडियो में स्वर संधि के जो अगले प्रमुख भाग हैं, जैसे यण संधि, अयाद संधि, इनका अध्ययन हम करेंगे। पुस्तक में आप एक बार देख लेंगे, जैसे यण संधि का सूत्र है इनको यणच, नियम पढ़ लेंगे, समझाते समय आप तुरंत समझ में जाएंगे। तो घर पर रहते हुए दिए गए कार्यों को आप निरंतर हमारे साथ करते जाएं और कठिन विषयों को सरल बनाते जाएं।
कल के वीडियो में पुनः हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।